फेडरल रिजर्व के बढ़ते ब्याज दर का असर भारतीय कंपनियों को मिलने वाले विदेशी कर्ज के ब्याज दर पर भी पड़ा है। पहले ही कमाई ना होने की मुसीबतों के बाद विदेशी ब्याज दर में बढ़त एक नई मुश्किल पैदा कर रही है, जिससे पूंजी जोड़ने में दिक्कत हो रही है। विदेशी मुद्रा में भारतीय कंपनियों को कर्ज मिलने की दर पिछले 3 साल के न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है। 2015 में भारतीय कंपनियों को विदेशी मुद्रा में लगभग 10,500 करोड़ डॉलर का कर्ज मिला, जो कि 2016 में भी लगभग इतना ही रहा। पर 2017 में अब तक इस कर्ज में भारी गिरावट आई है और ये लगभग 820 करोड़ डॉलर के स्तर तक पहुंच गया। इसका मुख्य कारण फेडरल रिजर्व के बढ़ते ब्याज दर को बताया जा रहा है, जो कि अपने पिछले 9 साल के अधिकतम स्तर पर चल रहा है। एक तरफ लंदन इंटरबैंक का कर्ज देने का ब्याज दर इस महीने बढ़कर 1.36% पर पहुंच गया, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 840 करोड़ डॉलर के ही भारतीय लोन को फिर से फाइनेंस कराया गया, जो कि इसी समय पिछले साल के मुकाबले 20% कम है। हांगकांग में क्रेडिट स्विस बैंक में लोन सिंडिकेशन एशिया पैसिफिक के हेड आशीष शर्मा के अनुसार भारतीय कंपनियों ने पिछले 3 साल में पूरी कोशिश की है कि वो विदेशी कर्ज को चुकाकर घरेलू बाजार से कर्ज उठाएं। हालांकि इन चीज़ों का असर पिछले 3 साल में भारतीय कंपनियों की कमाई पर भी पड़ा है, जो कमज़ोर पड़ी है। भारतीय कंपनियों की कमाई अनुमान से काफ़ी नीचे हो रही है। पहले ही मुश्किलों में चल रही भारतीय निजी कंपनियों पर विदेशी कर्ज के बढ़ते ब्याज दर मुश्किलों को और बढ़ा सकते हैं। इससे नए प्रोजेक्ट शुरू करने और व्यापार का विस्तार करने में कठिनाइयाँ आएंगी। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।